वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, पार्ट फाइव पे आ गए हम लोग, पेपर नंबर सिक्स चल रहा है। सो क्वेश्चन है 41। एयरप्लेन विंग स्पान 35 मीटर, मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर 35 मीटर। ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। और आपको दिया वर्टिकल कंपोनेंट, वहां पर है ये 10^-5 है ना, करेक्शन कर देना। बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ही वो काटेगा और वही आपको दिया हुआ है 4×10^-5 टेस्ला। और आपको मोशनल ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल वी से, और ये होता है बीवी, जहां पे बी वो कंपोनेंट है जो कट रहा है। तो सीधे मुझे वैल्यू रखनी है और आंसर मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। सो 9^4 = 36, 360 हो गया, उसको 35 से मल्टीप्लाई करना है और 10^-5 ही है। तो अभी हमें देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही बैठेगा। तो कोई शॉर्ट ट्रिक आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। वन टू सिक्स जीरो जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0.12 हो गया ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आप देखेंगे ऑप्शन ए, कैलकुलेशन वालों में सही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 42, सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 V2 दोनों की 300 है। रीडिंग ऑफ V3 एंड अमीटर वो आपको बताना है। ओके, मैंने गलत लिख दिया है, ये है 300, ये हमें बताना है और ये हमें बताना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रेडिक्शन मोड में जाके, हमें पता है कि VL VC के बराबर है। सो ये रेजोनेंट कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे रेजोनेंट कंडीशन पे ही सवाल पूछा जाएगा एग्जाम। तो चेक कर ले पहले, रेजोनेंट कंडीशन है तो काम हमारा आसान हो गया, क्योंकि VL VC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये हो गया VVR के बराबर हो गया एक्चुअल में। सो V3 के वाले हुए सीधे सीधे 220 वोल्ट, और करंट जो है मैक्सिमम रहेगी V/Z होती है, वैसे यहां V/R होगी। तो R की वैल्यू हमें दी हुई है और उसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है, 220/100, 2.2 एम्पीयर, 2.2 एंड 220। तो वायर शोन इन द फिगर, सॉरी बीमार हो गया, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। आपको पता है अगर पूरा 360 डिग्री एंगल होता है, ये पूरा लूप है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है जो दुराई अपॉन 2R। यूनिटरी लॉ आपने लगाया, ये कैपिटल R की जगह स्मॉल R आप मान सकते हैं। तो अभी एंगल है 270, 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट इज म्यू दुराई अपॉन 2R इनटू
270 अपॉन 360, ये हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वायर का जो सेगमेंट है वायर का, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो यही है, डिग्री में भी कर सकते थे, रेडियन में भी कर सकते थे, कट जाता है। म्यू जीरो की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ आई आपको दिया हुआ है 24, 2 रेडियस है 3.14 और यहाँ बचा हमारे पास 27/36। हमेशा आप देखें बोर्ड में जब भी कैलकुलेशन आएगी तो इस तरह की आएगी कि वो आप आसानी से कर लेंगे। पाई से पाई कैंसिल और 2 से 24, 12 times 12, 3 जा 36, 3 9 जा 27। तो 9 4 जा 36 हमें दिख रहा है और 10⁻⁷ दिख रहा है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखो तो मैं 3.6 करके लिख सकता हूँ। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो मैंने दोबारा से डेटा चेक किया तो पता चला यहाँ पे 3.14 सेंटीमीटर है, तो एक 10⁻²² और आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये -7 की जगह हो जाएगा -5 और हमारा आंसर ये हमें दिख रहा है। ये सब पावर्स है, करेक्शन कर लें, फॉन्ट में चेंज होता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जनरली पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए कॉइल व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 16 एम्पियर टू 12 एम्पियर, ये आपको डीआई दे दिया, ये डीटी, ये ई है, सेल्फ इंडक्टेंस आपसे पूछा है, एल होता है माइनस ई अपॉन डीआई बाय डीटी। माइनस का यहाँ पे सिग्निफिकेंस डायरेक्टली कुछ नहीं है, खाली आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, वो सिर्फ ये बताता है कि अपोजिशन है। 6.4 डिवाइड बाय 16 - 12, दैट इज 4, 1.2, 6.4 अपॉन 20, पॉइंट हटेगा, 0 जाएगा और 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, सो 0.64 अपॉन 2 यानी 0.32, यूनिट हेनरी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज एआर। तो अब हम एआर क्वेश्चंस पे पहुंच गए। मैक्सिमम क्वेरी जो बच्चों ने मेरे से पूछी वो सारी एआर क्वेश्चन से रिलेटेड थी, जबकि मजे की बात है एआर क्वेश्चन कुल मिला के 5 आने। अब उसमें से 3 तो निश्चित रूप से ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप देखकर समझ जाएंगे कि हाँ ये आंसर है, 2 में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो चॉइस आपके पास है, बचा के रखिए एआर क्वेश्चंस के लिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये कंसेप्ट है, क्योंकि वीएस होती है एनबीए अपॉन सी, सी एस करंट सेंसिटिविटी होती है, ये आर और आता है एन बी अपॉन सी। तो जब तक ये आर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल चेंज नहीं हो रहा है तब तक तो ठीक है कि हम बोलेंगे आपने बी को स्ट्रॉन्ग किया या सी को वीक किया करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम अमाउंट में बढ़ जाएगी, पर जब आप N को चेंज करेंगे, A को चेंज करेंगे, तो ये R पर इंपैक्ट आएगा। द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई लिंक भी नहीं, तो असर्शन ट्रू है, रीजन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल इन द पोटेंशियोमीटर, ड्राइवर सेल उसको बोलते हैं जो प्राइमरी सर्किट में लगा है, शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी डिटरमाइंड, करेक्ट है, नहीं तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन आपको मिलने वाला है. द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड नॉट बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी डिटरमाइंड, सही है, नहीं तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिलेगा. मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, गलत है, विद प्लेस एंड टाइम चेंज होता है, डिप नीडल विल स्टे हॉरिजॉन्टल एट नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, ये तो वर्टिकल हो जाएगी. इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल मोमेंटम then the path of both them will be equally curved. So formula आपको पता है, R equal to mv by qv, ये mv square by R को equate करेंगे, qv भी से वहां मिल जाएगा आपको, mv को p लिख सकते हैं आप. अब बचा सिर्फ चार्ज, मोमेंटम तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है तो इक्वली कर्व्ड. ये और बात है कि एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो सही है असर्शन. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑन प्रोटॉन, यही इसका कारण है. द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर कैन बी बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज, कर तो सकते हैं पर सेम मेथड से नहीं. द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द रिलेशन, रिलेशन सही है पर इसको जब आप चेक करेंगे रेंज बढ़ा सकते हो आप, घटा नहीं पाओगे सेम मेथड से. यानी वोल्ट मीटर एक बार बन गया, आपको रेंज घटानी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने के लिए फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शन में जा सकते हैं. इसको आप फॉर्मूले से चेक करके देखें, एन टाइम्स वाला फॉर्मूला, एन की वैल्यू आप जो है फ्रैक्शन में नहीं ले पाएंगे. पर बोर्ड लेवल पे अगर वो फैक्टर को कंसीडर नहीं किया है तो इन्होंने आंसर हो सकता है ए बना दिया हो. आंसर देख लेते हैं, 49 अभी तो नहीं है यहाँ पे, ओके आप चेक कर लेना आंसर आपके पास है. क्वेश्चन नंबर 50, चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, चार्ज क्यू को रखा हमने ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, यहां पर मिसिंग है कैपिटल क्यू, तो ये 2 4 की बात हो रही है और ये स्मॉल क्यू 1 3 की बात हो रही है. नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है तो क्यू बाय क्यू कितना होगा, सो यू हैव टू कैलकुलेट. नेट फोर्स जीरो एक ही शर्त पर हो सकता है, जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके बराबर आ जाना चाहिए अट्रैक्शन का, तब नेट फोर्स जीरो होगा इस पर. तो उसके लिए क्यू बाय क्यू की क्या वैल्यू आएगी वो आपको कैलकुलेट करके निकालनी है. स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड आपको दी भी नहीं है, आप कुछ भी मान लो, एल मान लो, ए मान लो, तो ये हो जाएगा √2. ये 45 डिग्री होगा तो cos 45 कंपोनेंट हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकल इनके कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने आप करना है आपको आंसर निकालना. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, ये यहाँ पर है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू, ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ जीरो होता है. केस स्टडी थ्योरी आपकी इच्छा है, पढ़ सकते हो छोड़ सकते हो.
ग्राफ भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन, इंडक्टर 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर 500 माइक्रो फैरेड, रेजिस्टर 10 ओम सीरीज में जोड़ दिए, 100 वोल्ट सप्लाई, फ्रीक्वेंसी जिस पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो गए यानी रेजोनेंस कंडीशन। जब भी फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में तो ओमेगा निकालना है, हर्ट्ज में तो एफ निकालना है, तो 3 रेडियन पर सेकंड एक हर्ट्ज है, चेक करना होगा। एफ इक्वल टू, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी तो पहले मैं ओमेगा निकाल लेता हूं। -3 सी 500 -6 5 2 10 2 0 2 0 5 तो कम हो गई पावर, 5 तो खत्म हो गए, तो माइनस की 4 बची, तो माइनस की 2 बाहर आएगी अंडर रूट, तो ऊपर जाकर प्लस की 2 बचेगी। सर्किट एलिमेंट x जोड़ रहे हैं एसी सोर्स के अक्रॉस, करंट रूट टू एम्पियर फ्लो हो रही है और ये फेज में है अप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी ये मैक्सिमम करंट है। दूसरा एलिमेंट y जब जोड़ रहे हैं सेम एसी सोर्स में, उतनी ही करंट फ्लो होती है पर आगे रहती है वोल्टेज से पाई बाय टू। ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो y है वो क्या हो, कैपेसिटर हो, तो y कैपेसिटर, और ये जो मैक्सिमम करंट है इसका मतलब x रेजिस्टर है, तो x और y क्या है, रेजिस्टर कैपेसिटर। LCR सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर आर VL VC VR, नेट वोल्टेज अक्रॉस LCR सर्किट इज, फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लें, VR स्क्वायर 100, जो भी बड़ा उसमें से छोटे को घटा दो, 35 माइनस 5 30, 30 का स्क्वायर 900, सो अंडर रूट ऑफ 1000, 10 root 10, वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट विद फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऊपर दिया हुआ ग्राफ में शायद इम्पीडेंस क्या होगा, करंट बढ़ रही है घटेगा, रिवर्स सी ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे करंट होती है मैक्सिमम। तो बच्चों ये रही आंसर की, यहां से जो भी चेक करना है आप चेक कर सकते हो। सो हमने पेपर नंबर 6 पूरा कर लिया, गिरते पड़ते कैसे वो 7 8 9 मॉक टेस्ट की तरह आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, टाइमिंग सेट करके बैठिए और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है प्रॉब्लम बताने से फ्री होता हूं, फिर मैं आपको उसके भी सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने कहा था कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है वो डिस्क्लोज करूंगा, तो कोशिश करता हूं मैं आज वो कर पाऊं, जो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, सो आई विल ट्राई दैट। टिल देन हैप्पी लर्निंग।